साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर, आकर्षक और वर्ष भर पुष्प देने वाले पुष्प गुड़हल के संदर्भ में। गुड़हल नित्य प्रतिदिन खिलते हैं और नित्य पूजा पाठ तथा अनेक धार्मिक अनुष्ठान में इनका प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से आपके भी बगिया में गुड़हल के पौधे अवश्य होंगे। तो आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे में अधिक से अधिक संख्या में हम पुष्प कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि गुड़हल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, गुड़हल में किस प्रकार के खाद का प्रयोग करना चाहिए, इनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए जिससे हमारे गुड़हल के पौधे में अधिक से अधिक पुष्प खिलते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गुड़हल एक उष्णकटिबंधीय पुष्पीय पौधा है। इसे फुल सनलाइट तथा पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, साथ ही इसे भरपूर पोषक तत्वों से युक्त मृदा मिश्रण की आवश्यकता होती है। अतः आप अपनी बगिया में गुड़हल के पौधे में ढेर सारे पुष्प पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मृदा में पोषक तत्व भरपूर होना चाहिए। अतः इसके मृदा मिश्रण बनाते समय मृदा के साथ एक तिहाई मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण कर मृदा तैयार करें। आप देख सकते हैं हमारी बगिया के गुड़हल में ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं और कई सारी कलियां भी बनी हुई हैं। साथियों आपने देखा होगा गुड़हल के शाखाओं के शीर्ष भाग में अधिक पुष्प खिलते हैं। इससे यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुड़हल में जितनी अधिक शाखाएं होंगी पुष्प भी उतने अधिक खिलते रहेंगे। तो हमारा अगला कार्य है प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करने से हमारे जो गुड़हल के पौधे होते हैं उनमें शाखाओं की संख्या भी अधिक होती है। आप देख सकते हैं हमने प्रूनिंग कार्य किया है, उसके पश्चात कितनी सारी शाखाएं यहाँ पर निकल गई है। शाखाएं अधिक होने पर उसमें कलियां भी अधिक आएंगी और इसमें ढेर सारे पुष्प खिलते रहेंगे। अगला और महत्वपूर्ण कार्य है समय समय पर उचित खाद का प्रयोग। आप निश्चित रूप से ग्रीष्म ऋतु में तरल खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केले के छिलके, प्याज के छिलके की पोटेशियम युक्त तरल खाद का प्रयोग इसके लिए उत्तम होता है। सरसों की खली की तरल खाद सभी पुष्पीय पौधों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जहां अभी तेज गर्मी पड़ रही है अभी आप तरल खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम क्वालिटी के एक वर्ष पुरानी गोबर की खाद या केचुए की खाद का प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलने पर पौधों में विकास तेजी से होता है और इन शाखाओं में ढेर सारी कलियां खिलती हैं और उनमें ढेर सारे पुष्प खिलते जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रूनिंग करने के पश्चात तथा खाद का प्रयोग करने के पश्चात हमारे गुड़हल के पौधे में किस तरह से उत्तम विकास प्राप्त हुआ है और इसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं और इनसे कई सारे पुष्प खिले हुए हैं। इस तरह से आप भी गुड़हल की देखरेख करके अपने गुड़हल के पौधे में ढेर सारे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।